आई एम नॉट श्योर ऑडियो क्लियरली आ रहा है कि नहीं, बिकॉज इतना ज़्यादा हवा चल रहा है. जस्ट लुक एट द विंड मैन, इट्स क्रेजी. अभी मैं कुछ देर पहले ही सो के उठा और जाके नहा लिया, फिर मैं व्लॉग बना रहा हूँ बिकॉज मेरे क्लासेस भी है और उस क्लासेस के पहले ट्यूशन है. मुझे पहले शूट करना था तो मैं अभी छत पे आ गया. मेरी आँख खुल नहीं रहे, धूप को होना नहीं चाहिए बट धूप थोड़ा थोड़ा है. वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल. अभी जो हवा चल रहा है, लाइक पहला बात ये मेरा बाल खराब कर रहा है और दूसरा बात मैं फ़ोन हाथ से पकड़ा हुआ हूँ, वरना अगर मैं ट्राईपॉड में लगा हुआ तो गारंटी है फ़ोन गिरेगा नीचे. अगर दो दिन पहले का बात हो तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा ही गर्मी थी कि क्या ही बोले. और कल से इतना ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो गया, इतना प्लेजेंट वेदर होना स्टार्ट हो गया, लाइक चुंबक, मतलब कोई शब्द ही नहीं, इतना अच्छा वेदर होने लग गया है. वेदर अच्छा होता है तो नींद भी अच्छा आता है, बट ऑनलाइन क्लासेस सोने कहाँ देते हैं. सोते सोते वही 2 बज जाते हैं, पबजी खेलता हूँ दोस्त लोग के साथ. तो अभी कोलकाता में यश बोल के कोई एक साइक्लोन आ चुका है, जो कि कोस्ट के तरफ जितना भी जगह है, लाइक दीघा वो सब, मंदारमनी इधर वो सब जगह, तो दोज प्लेसेस आर टोटली डैमेज्ड. लाइक क्या ही बताया, लाइक वेस्ट बंगाल के उस साइड जितना भी वाटर साइड्स एंड एवरीथिंग है पूरा डैमेज्ड, लाइक कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा गंदे तरीके से डैमेज हो चुका है. उधर हवा लिटरली 170 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, 170 या समथिंग लाइक दैट ओनली. इट्स साइक्लोन, ठीक है, एंड कोलकाता में ज़्यादा होगा नहीं बिकॉज कोलकाता तो एकदम बीच में. कोलकाता में हैवी रेन का एक्सपेक्टेड है एंड थोड़ा बहुत हवा जैसे कि एक्सपेक्टेड है. और हवा नहीं चलेगा तो कैसे होगा, बारिश होगा, हवा नहीं चलेगा, इम्पॉसिबल. एक चीज़ अच्छा हुआ कि लास्ट टाइम जैसे वेस्ट बंगाल में आया था अम्फान बोल के जो साइक्लोन, उससे बहुत ही ज़्यादा सेफ है ये यश नाम का साइक्लोन, बिकॉज अम्फान पूरा कोलकाता को भी डिस्ट्रॉय कर चुका था. नॉट डिस्ट्रॉय एक्चुअली बट यश का उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है नहीं, बिकॉज कोलकाता में बहुत ज़्यादा कमी हो रहा है. कोस्ट प्लेसेस हैं वेस्ट बंगाल में जैसे कि दीघा, मंदारमनी, ये सब जगह, उधर पूरा एकदम रस्ते वस्ते में दुकान वुकान एकदम पूरा पानी वानी से भर चुका है. ताने आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, उधर जितना भी जगह उधर अभी बारिश हो रहा है. लाइक कैसे ही बताऊँ, अभी वेदर देखिए कितना अच्छा वेदर हो चुका है. अभी पता नहीं मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी कैसे ज्वाइन करूँगा अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो. So let's see. पहला बात, इग्नोर माई मेसी है, एंड दूसरा बात मैं यही बोलने वाला था, लास्ट टाइम जो अम्फान साइक्लोन आया था उसमें मैं अपने नानी घर में था और नानी घर का जो छत्ता है दैट इज़ वेरी लाइक जो बिल्डिंग है दैट इज़ वेरी 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 ओल्ड, ठीक है. तो उधर का जो एक टिन नहीं बोल सकते, छत का जो कवर रहता है एग्जैक्टली लाइक वो सीमेंट टाइप का ही कुछ होता है, तो जो भी कवर रहता है. मैं और मेरे एक भैया हम लोग छत पे ही थे जब वो अम्फान साइक्लोन आया था कोलकाता में. तब क्या हुआ था, हम लोग जस्ट वीडियो कर रहे थे, इतना तेज़ हवा चल रहा है, इतना तेज़, उसके ऊपर से बारिश, बाप रे बाप. और अचानक से ना पीछे से नहीं ऊपर से, एग्जैक्टली ऊपर से वो चीज़ पूरा एकदम निकल के उड़ के चला गया पूरा नीचे. लाइक मैं और वो भैया लिटरली डर गए थे. अभी जब मैं वीडियो पॉज किया था ना, इतना जोर का हवा दिया इधर कि मैं लिटरली, मेरे को हवा पुश कर रहा है पीछे. पहले तो ये कोरोना, फिर क्या ब्लू, वाइट, रेड, येलो, पिंक फंगस, फिर अभी ये साइक्लोन. अभी इतना जोर का हवा दिया कि ये डिश टीवी जो है, पता नहीं किसका घर का है, ये पूरा एकदम टेढ़ा हो गया. इतना जोर का लिटरली हवा दिया, पता नहीं यार. ऐसे कोलकाता में एक्सपेक्टेड है कि हेवी रेनफॉल होगा एंड थोड़ा बहुत हवा जैसे होता है वही होगा. ये कितना जोर का हवा दे रहा है भाई, हाँ ये तो कुछ भी नहीं है. तो सोचो वेस्ट कोस्ट में जो हुआ, नॉट एग्जैक्टली वेस्ट कोस्ट, जो भी जिस कोस्ट में भी हुआ था कोलकाता में, दीघा, मंदारमनी, वो सब सही, कितना गंदे तरीके से हुआ है. जस्ट इमेजिन वन थिंग, कुछ देर के लिए यू गाइस एंजॉय द टाइम, वरना ये बादल ऊपर आ गए हैं. अभी व्लॉग भी नहीं बना पाएंगे, वापस से नीचे जाके व्लॉग बनाना पड़ेगा. तो जल्दी जल्दी करते हैं.
आज मेरे को यकीन हो गया कि आईफोन का आउटडोर वीडियो क्वालिटी हो, फोटो क्वालिटी हो, इज मच बेटर देन एनी DSLR बॉस। देखो बोला था ना ऊपर बारिश होगा, देखो बारिश स्टार्ट हो गया। तो इट्स करंटली 1 PM राइट नाउ और मैंने अर्बन कंपनी से अपना हेयर कट के लिए एक जन को बुलवाया है, बुक किया हुआ है, तो वो मे बी कल आएगा। 80,000 impressions later. So it's currently 5:15 in the evening और मैं अभी पबजी खेल के उठा, इतने टाइम बाद कस्टम्स खेल रहे थे कम्पिटेटिव। तो अभी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जैसे टीवी कह लो, डेस्कटॉप कह लो, मेरा फ़ोन कह लो, इंटरनेट कह लो, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ही स्लो चल रहा है। और अगर बात इंटरनेट की करें तो इंटरनेट तो और भी ज़्यादा स्लो हो गया, वैसे भी स्लो है, अभी दुगना स्लो हो गया है। तो पता नहीं कि सिर्फ साइक्लोन के लिए, अगर आप लोग के साथ भी ये सेम चीज़ हो रहा है कोलकाता में, देन डू लेट मी नो। पहले आप लोग ये खिड़की देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली। तो अभी एग्जैक्टली हुआ क्या, इग्नोर द बैकग्राउंड, पीछे बारिश हो रहा है तो मम्मी मेरे रूम में आके सब कुछ सुखा दी। तो जो भी है, एग्जैक्टली अभी हुआ क्या, उस घर में जो लोग रहते हैं, एक बच्चा रहता है, एक अंकल रहते हैं और एक आंटी रहती है। तो मैं व्लॉग कर रहा था अभी इधर खिड़की के सामने खड़े होके, वो लोग ऐसे ऐसे देख के हंस रहे ही। मैं भी कैमरा ऑन करके उनकी तरफ घुमा दिया, तब हम लोग हट गए। तो अभी मैं सुबह ही देख रहा था, बहुत जगह वेस्ट बंगाल में एक लोकल टॉर्नेडो आया, इट्स लाइक रोटेटिंग टॉर्नेडो जैसा होता है, वैसे ही टॉर्नेडो आया है बहुत जगह कोलकाता में, कोलकाता नहीं वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बहुत जगह आया है। तो मैं भी आप लोग को एक बार वो दिखाता हूँ। ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि कोलकाता में किसी रास्ते में एक एलिगेटर रास्ते पे आ उतरा है, लिटरली एक एलिगेटर आ उतरा है, मतलब। तो ये है ये एलिगेटर जो रास्ते पे आ उतरा है कोलकाता के, कैन रीड ओवर रेप्टाइल्स इन फ्लडेड कोलकाता स्ट्रीट्स। तो पता नहीं है कहाँ से आ गया है। ऑल्सो मैं आप लोग को और एक जगह का दिखाता हूँ, ये हो चुका है देखिए, एकदम पूरा पानी से भर लग चुका है। ये लोग छत पे जाके बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ये एकदम भी अच्छा नहीं हो रहा है जो भी है, लाइक इट्स। और ये जो रास्ता है ना आप लोग को दिख रहा है, ये सब रास्ते में ना एकदम मछली वछली से भरा पड़ा है। ये देखिए क्या एग्जैक्टली हुआ था, मतलब इतनी गंदी तरीके से ये सब हुआ है ना, मतलब क्या ही बताओ आप लोगों को। सी ये दीघा का कुछ है, मतलब कितना ऊपर तक पानी आ चुका है, आप लोग देख सकते हो इतना गंदी तरीके से हुआ है। तो ये वही टोर्नाडो है जिसके बारे में अभी आप लोग को मैं बता रहा था, एक लोकल टोर्नाडो है, पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गया है, बट इट कैन हिट कोलकाता ऑल्सो मे बी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं तो न्यूज़ में देख रहा था। गंदा हुआ है, बहुत ही गंदा। आई होप कि जल्दी सब कुछ उधर ठीक हो जाए। इनफैक्ट जितने भी लोग रहते हैं उधर दीघा के तरफ, कुल्पी के तरफ जितने भी लोग रहते हैं, सब ठीक हो जाए जल्दी, सब सेफ रहे, सतर्क, सावधान इंडिया नहीं है, सब सेफ रहे, बस उतना ही चाहता हूँ मैं। एटलीस्ट अभी तक कोलकाता में तो ऐसा कुछ आया नहीं है, जैसे कि ये साइक्लोन या टॉर्नेडो कुछ भी आया नहीं है। तो अभी देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। बस वैसे टाइम दिया हुआ है 26 to 29 मई तक ये साइक्लोन आ सकता है कोलकाता में, बट अभी पता नहीं कि कब आएगा। अगर ये व्लॉग कोई DPS रूबी पार्क से देख रहा है तो उसको पता होगा कि जर्मिनो स्टिल्टन क्या है, विम्पी किट क्या है और हॉरिबल हिस्ट्रीज क्या है, लाइक ये DPS का सबसे, मेरे जनरेशन का सबसे ज़्यादा इशूड लाइब्रेरी बुक्स। मेरे को इतना ज़्यादा पसंद था ये सब बुक्स, मैं कि खरीद के कहीं से भी मिलता था, मैं खरीद के अपने पास स्टॉक करके रखता था। मेरे पास बहुत बुक्स है, जर्मनी स्लिटिंग का, विम्पी किट का। सो मेरे को पता है कि ये एक प्रॉपर व्लॉग है नहीं है, बट स्टिल मेरे को आप लोग को जस्ट इतना इन्फॉर्म करना था दैट क्या हो रहा है अभी वेस्ट बंगाल में, जितना भी जगह है, बस मेरे को यही आप लोग को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना था, अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हो या कुछ। तो बस मैं यही एंड करता हूँ, बिकॉज अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, मैं घर में ही हूँ, मैं पबजी खेलता हूँ, क्लासेस करता हूँ, बस यही सब हो रहा है अभी। तो टेक केयर, गुड नाइट, अभी गुड नाइट नहीं है तब भी गुड नाइट, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज नॉट टू शेयर। जोरदार हवा दे रहा है बाहर, जो भी है, लेट्स जस्ट एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। सो एडियोस एमिगोस।